आज का जो हमारा क्लास है वो है डिजाइन ऑफ संख की, डिजाइन ऑफ संख की। वी ऑलरेडी जो है सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज की एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। और उसमें हम लोग देखे थे एक टाइप संख की, जिसका की जिसके बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि कीवे जो है कीवे हाफ कीवे जो है सेप्ट में है और हाफ कीवे संख की का जो है वो हमारा हब में रहता है। यहाँ पे ये डायमेंशन ऑलरेडी देख चुके हैं, ये की येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेफ्ट का फ्रंट व्यू फ्रॉम द प्रोसेशनल साइड है, प्रोसेशनल साइड से ये फ्रंट व्यू है। और यहाँ पे ये जो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये है की, इसके डायमेंशन को अगर देखें तो ये यहाँ से यहाँ विड्थ है और ये थिकनेस है इसका, जो कि हमारा सेफ्ट में और हब में इंसर्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे इस फिगर से साइड व्यू जो है उसे देख सकते हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ द की। नाउ द व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द की, तो पहला फोर्स जो है, दो फोर्स, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द की। फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेड बाय F1 जो है वो क्या है, तो की का जो है वो कीवे में फिट होने के कारण जो फोर्सेस लग रहा है, और इसके कारण जब हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं तो की में एक कंप्रेसिव फोर्स एक्ट होता है, उसमें कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये F1 फोर्स हो गया, और दूसरा सेकेंड फोर्स है F, क्योंकि ये सेफ्ट इज रोटेटिंग एंड वी हैव टू ट्रांसमिट द पावर टॉर्क थ्रू द की, सो विथ द सेफ्ट की इज रोटेटिंग एंड इट इज ट्रांसमिटिंग पावर टू द हब और द रोटर। तो ड्यूरिंग तो इसमें जो है सो ये टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, टॉर्क ट्रांसमिशन के कारण जो फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है की पे, ये इसको रिप्रेजेंट किया गया है एफ से इस पे रिप्रेजेंट किया है। तो दो टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द की, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द टी जो है, अलग अलग डायमेंशन में देखते हैं। तो टी जो है वो जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है सेफ्ट के द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ जो टेंजेंशियल फोर्स दैट इज बीइंग एक्टिंग ऑन द सेफ्ट एंड उसके कारण जो टॉर्क का डेवलपमेंट है, तो एफ हो गया टेंजेंशियल फोर्स, एंड टेंजेंशियल फोर्स यही टेंजेंशियल फोर्स की पे एक्ट होकर के जो शियर स्ट्रेस डेवलप करता है उसको, ठीक है। डी हो गया हमारा डायमीटर ऑफ द सेफ्ट, द सेफ्ट हैज डायमीटर डी, एल इज द लेंथ ऑफ द की, small l is the length of the key, w is the width of key and t is the thickness of this key. We will see the failure of key under two type of stresses. So, दो टाइप के स्ट्रेस के अंदर में इसका फेल्योर के को डिजाइन करेंगे। एक है शियर स्ट्रेंथ पे उसको डिजाइन करेंगे हम लोग किसको की को, और दूसरा है क्रशिंग स्ट्रेस या क्रशिंग फेल्योर पे उसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो tau is representing shear stress and sigma c is representing crushing stress that is being acting on the key को डिजाइन कर रहे हैं shear stress को कंसीडर करके, अंडर shear strength जो है key को डिजाइन कर रहे हैं। तो tangential force के कारण shear stress लगेगा, जो force tangentially लगता है along the surface लगता है वो जो है tangential force कहलाता है, और उसके कारण सियरिंग एक्शन होगा। तो इस की को अगर आप देखिएगा तो ये लेंथ है और ये विड्थ है और ये थिकनेस है। तो ये जो रेड कलर है, रेड कलर के ऊपर का एरिया जो है वो सपोज कीजिए हब में है, और रेड कलर हब के कीवे में स्लॉट में है, हब के स्लॉट में है, और रेड कलर के नीचे वाला जो एरिया है वो सेफ्ट के कीवे में है, स्लॉट में है। तो जब इस पे टेंजेंशियली फोर्स एक्ट होगा, टेंजेंशियली फोर्स इस पे एक्ट होगा, तो ये क्या होगा कि यहां से इसका ब्रेकिंग होगा, ये ऊपर वाला पोर्शन हब में ही रह जाएगा, नीचे वाला जो है ऐसे ऐसे निकल जाएगा। हब में अगर सेफ्ट है तो वो की हब वाला आधा हब में रह जाएगा और की जो सेफ्ट में है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यही सियरिंग फेल्योर कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, सियरिंग फेल्योर। तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रहा है, यानी कि अलोंग द सरफेस जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या होगा, मटेरियल का शियर स्ट्रेंथ गुने रजिस्टिंग एरिया। तो रजिस्टिंग एरिया क्या है, येलो रंग से जो हैचिंग करके दिखाया, यही तो रोकेगा यहाँ पे यही तो रोकेगा इसको, यही एरिया रजिस्टिंग एरिया जो है इसको रोकेगा,
फेल्योर होने से, तो फेल्योर एल गुने डब्ल्यू, एल गुने डब्ल्यू, ये एरिया क्या है, एल गुने डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये टेंजेंशियल फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है, इस फोर्स के कारण जो टॉर्क अबाउट द एक्सिस जो है वो क्या है हमारा एफ इंटू डी बाई टू। सो द वैल्यू ऑफ एल एफ इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग डी बाई टू। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी इफ अगर हमें टॉर्क जो ट्रांसमिट हो रहा है ये वैल्यू पता है, इसके अलावा जो है सो शियर स्ट्रेंथ जो जिस मटेरियल से की बना हुआ है ये पता है, डायमीटर ऑफ दिस सेप्ट अगर पता है तो आइदर एल और डब्ल्यू, एल और डब्ल्यू वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ द की और विड्थ ऑफ द की वी कैन डिटरमाइन, एंड फ्रॉम द इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन एल एंड डब्ल्यू, एल और डब्ल्यू के बीच में जो इंपेरिकल रिलेशन है कोई एक निकालेंगे दूसरा हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है कंसिडरिंग क्या है कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ द, शियर स्ट्रेंथ को कंसिडर करके ये इक्वेशन हमें मिला, ठीक है। यू कैन सी हियर फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन फाइंड द लेंथ और द विड्थ। अभी हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ में की का डिजाइन कर रहे हैं। तो अगेन जो फोर्स है वो सिमिलर है, टॉर्क ट्रांसमिशन के कारण जो की पे फोर्स एक्ट हो रहा है वही फोर्स है, लेकिन इसका एक्शन क्या है, ये क्रशिंग कर रहा है, इट इज क्रशिंग। तो क्रशिंग फिर फोर्स इक्वल टू एरिया इनटू स्ट्रेस, तो रेजिस्टिंग एरिया जो क्रश को रोकेगा ये हो गया हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो जो क्रशिंग एरिया है हमारा वो ये साइड वाला दोनों का हाफ हाफ होगा, क्योंकि वन पार्ट इज विथ सेफ्ट एंड वन हाफ अदर हाफ पार्ट इज इन द की वे ऑफ द हब, सो दिस इज दिस विल बी द क्रशिंग एरिया एल इंटू टी बाई टू, एल इंटू टी बाई टू, सो दिस इज द रजिस्टिंग एरिया जो कि क्रशिंग को रोकेगा इंटू क्रशिंग स्ट्रेंथ, इंटू क्रशिंग स्ट्रेंथ। सो नाउ जो टॉर्क ट्रांसमिट होगा वो एफ इंटू अबाउट द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट एफ इंटू डी बाई टू। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव द वी नो द टॉर्क ट्रांसमिशन वैल्यू एज वेल एज द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेरियल ऑफ द की, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज नॉन, एंड एल वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन थिकनेस ऑफ द की कैन बी डिटरमिन, जो थिकनेस है उसको हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अभी ये भी बता, अभी हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ शियरिंग स्ट्रेंथ इंडिविजुअली दोनों का निकाले हैं, दोनों का रिलेशन लाए हैं, ये क्रशिंग स्ट्रेंथ का आया और ये शियरिंग स्ट्रेंथ का आया। तो जब हम ऐसा की डिजाइन करते हैं जिसमें शियरिंग स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ दोनों बराबर हो की का, उस केस में जो टॉर्क की वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगा, टॉर्क क्रशिंग के कारण शियरिंग के कारण बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो कॉमन है बराबर, वी हैव अ रिलेशन डब्ल्यू बाई टी इक्वल टू सिग्मा सी बाई टू टाउ, सिग्मा सी बाई टू टाउ। तो ये रिलेशन किसके लिए है, ये रिलेशन है आपका जब हमारा क्रशिंग और वो सेम है, और ये जो है इसमें आप देख सकते हैं कि क्रशिंग मतलब जनरली जो परमिसेबल है, परमिसेबल है वो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो सिग्मा सी इज टू टी, सिग्मा सी इज टू टी स्क्वायर वाले में क्या पड़ेगा, डब्ल्यू इक्वल टू टी हो जाता है, विड्थ और थिकनेस दोनों बराबर आता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा क्रशिंग स्ट्रेंथ टू टाइम्स शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। जो स्क्वायर सम की था उसमें क्या था, विड्थ और थिकनेस दोनों बराबर था, ये डी बाई फोर के बराबर था, तो अगर डब्ल्यू बाई टी दोनों बराबर हो तो कट जाएगा, तो सिग्मा सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू टाउ हो जाएगा। तो स्क्वायर सम की के लिए जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होगा वो शियरिंग स्ट्रेंथ का क्या होगा, टू टाइम्स होगा, शियरिंग स्ट्रेंथ का क्या होगा, टू टाइम्स।